हेलो एवरीवन, IndianMoney.com के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है प्रेरणा और मैं आज आपको कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स, कुछ ज़रूरी टिप्स शेयर करने वाली हूँ। अगर आप कार खरीदने की प्लानिंग कर रहे हो तो कार खरीदना भी हमारे लाइफ में काफ़ी मायने रखता है। वो भी हमारा सपना होता है, छोटी गाड़ी, बड़ी गाड़ी, लंबी गाड़ी या फिर स्पोर्ट्स कार। आजकल तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास फैंसी गाड़ियों के। और ऐसे भी लोग होते हैं जिनको कि गाड़ी जो है वो पहली बार नहीं ले रहे होते, उनकी ये हॉबी होती है, उनका शौक़ होता है कि वो हर एक साल, दो साल, तीन साल पे गाड़ी बदलते रहते हैं। तो ये जो गाड़ी खरीदने का जो शौक़ है, इन लोगों के लिए खास करके आज मैं कुछ छोटी बातें बताने वाली हूँ। दो तीन छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि लगती बहुत छोटी है पर काफ़ी इम्पॉर्टेंस रखती हैं जब आप ये डिसीजन ले रहे होते हो या ये प्लानिंग कर रहे होते हो कि गाड़ी खरीदनी है। हम आपको ये सजेस्ट करेंगे कि आप अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, सबको ये बताएं कि ये एक थंब रूल होता है कि जब आप अपना बजट सेट कर रहे होते हो कि गाड़ी खरीदनी है तो कितने कितने का बजट हमें करना चाहिए, कितने का गाड़ी खरीदना चाहिए कि एक गाड़ी भी अच्छी मिले और हमारे ऊपर एक फाइनेंशियल लोड भी ना आए। तो आप इस थंब रूल को मानकर चले कि गाड़ी का जो बजट है वो कभी भी आपके पूरे एक साल का जो इनकम है, एक साल का जो टेक होम इनकम है, उससे ज़्यादा आपकी गाड़ी का बजट नहीं होना चाहिए। ये थंब रूल अगर आप फॉलो करेंगे तो आप किसी भी तरह के फाइनेंशियल ट्रैप से दूर रहेंगे, बच पाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखें कि आपकी गाड़ी का बजट जब आप सेट कर रहे होते हो तो आपकी आपका जो बजट है वो आपके सालाना इनकम, मतलब सालाना टेक होम जो इनकम है, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्योंकि जहाँ उससे ज़्यादा हुआ, आपकी जो है फाइनेंशियल लाइबिलिटी, फाइनेंशियल बर्डन आपका बढ़ जाएगा और फिर आगे चलकर उसको मेंटेन करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। सेकंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप जो डाउन पेमेंट करेंगे और जो लोन आप बैंक से लेंगे उसका प्रोपोर्शन क्या होना चाहिए। तो आजकल इतनी फाइनेंशियल कंपनीज आ गई है और इतने बैंक्स आ गए हैं कि कुछ बैंक्स ऐसे भी हैं जो काफ़ी लिबरल है, काफ़ी फ्लेक्सिबल है। वो आपका फाइनेंशियल हेल्थ को चेक करने के बाद आपको 100% 100% लोन देने के लिए भी राज़ी हो जाते हैं। पर सिर्फ क्योंकि कोई आपको 100% लोन दे रहा है, इसलिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप 100% लोन में जाएं या 100% लोन आप ले लें, क्योंकि आखिर चुकाना आपको ही है। प्रिंसिपल के ऊपर इंटरेस्ट जमेगा और फिर आपका जो बर्डन है वो बढ़ता ही जाएगा। तो आप 100% लोन जैसी चीज़ों के ट्रैप में बिल्कुल ना पड़े। आइडियल सिचुएशन होता है, आइडियल फिगर होता है 20-25% का डाउन पेमेंट करना और 80-85% का जो लोन है वो आप बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आप लें। तो ये 20-25% आप डाउन पेमेंट करें, 80-85% का आप लोन लें, 100% लोन जैसे स्कीम में या लोन में आप ना पड़े। तो ये दो छोटी चीज़ें हैं लेकिन काफ़ी ज़रूरी चीज़ें हैं, इनका आप ध्यान रखें। और एक पॉइंट और है जो कि मैं बताना, वो एक एडवाइस है, ये एक फीचर नहीं है, एक पॉइंट नहीं है, ये सिर्फ एक एडवाइस है कि अगर आपका जो मंथली इनकम अगर अभी 4-5 लाख के आसपास का है, साल का सालाना जो आपका इनकम है वो अगर 4-5 लाख के आसपास का है, तो इस वक्त हम ये सलाह देंगे कि आप गाड़ी जैसी चीज़ में पैसे न लगाएं। आप टू व्हीलर जो है वो खरीद लीजिए, उससे आप अपना काम कर लीजिए, काम को उससे आप पूरा कर सकते हैं। और आप जो पैसे हैं आपके, बहुत सारे और भी कमिटमेंट्स होते हैं और भी बहुत सारा फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, लाइबिलिटी रहता है हमारे ऊपर। गाड़ी खरीदना उसमें से शायद एक चीज़ है, एक शौक है, एक ड्रीम है या एक ज़रूरत है आज के दिन में।
तो लेकिन आप अगर आपका इनकम 4-5 लाख के ब्रैकेट में आ रहा है तो फिलहाल के लिए कम से कम आप इस जो प्लान है इसको पोस्टपोन कर दें, टू व्हीलर से काम चला लें और ये जो पैसे हैं वो आप किसी अप्रिशिएटिंग एसेट में लगा दें ताकि कल के दिन में आपका जो है फाइनेंशियल स्टेटस थोड़ा और स्ट्रांग हो जाए। गाड़ी एक अप्रिशिएटिंग एसेट नहीं है, वो एक डिप्रिशिएटिंग एसेट है, आप जानते हैं। तो हम ये सलाह देंगे कि आप अपने फाइनेंशियल हेल्थ को थोड़ा स्ट्रांग करने के लिए किसी अप्रिशिएटिंग एसेट में इस वक्त पैसे लगा दें, इस वक्त आप गाड़ी ना खरीदें और कल जब आपका फाइनेंशियल स्टेटस इससे थोड़ा और अच्छा हो जाएगा, थोड़ा और हेल्दी हो जाएगा, तो आप बेझिझक गाड़ी खरीदें। तो ऐसी कीमती एडवाइस, ऐसे फाइनेंशियल एडवाइस कंसल्टेशन अगर आपको चाहिए, अगर आपके मन में डाउट्स है, अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए या आपको ऑप्शंस के बारे में जानना है कि आप गाड़ी का लोन या होम लोन या टैक्स या इन्वेस्टमेंट या सेविंग, कुछ भी, कोई भी फाइनेंशियल रिलेटेड कुछ भी है आपके मन में, अगर आपको जानना है, इन्फॉर्मेशन लेना है, डाउट्स क्लियर करने हैं, तो हम आपकी सेवा में हमेशा हाजिर है। हमारा एक एजुकेशनल हेल्पलाइन नंबर है जो टोल फ्री है, उस नंबर पे आप हमें सिर्फ एक मिस्ड कॉल दें। हमारा नंबर नोट करें, 02261816111। इस नंबर पे आप हमें सिर्फ एक मिस कॉल दें और हमारे वेल्थ डॉक्टर्स हैं जो आपको फ़ोन करेंगे, आपको फ़ोन करके आपके ज़रूरत के हिसाब से वो आपको एडवाइस देंगे, सजेशंस देंगे, आपको ऑप्शंस बताएंगे। तो अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता हो, हमारे चैनल में दिए गए इन्फॉर्मेशन आपको अगर हेल्पफुल लगता हो, यूज़फुल लगता हो, तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सावधानी बरते, अमीर बने। थैंक यू।